नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल प्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से। जनपद बहराइच विकास खंड फकरपुर ग्राम पंचायत अमुआ तेतारपुर से आ रही है। यहां पर 14 दिन से ट्रांसफार्मर खराब होने से करंट जमीन पर उतरता था। करंट के चपेट में एक बकरी मौत, वहीं दूसरी ओर 12 वर्ष के बच्चे जिसका नाम अलीमन था, खंबे के साइड से निकल रहा था, उसको भी बुरी तरीके से लगा करंट का झटका। इस विषय पर स्थानीय ग्रामीणों ने बताया, हम लोग भले ही कितना फोन करते हैं पावर हाउस को और ना ही फोन वो उठाते हैं, ना ही कोई बात करते हैं। इस संबंध में आज स्थानीय ग्रामीणों ने बताया, काम तो करते नहीं, वहीं पर लोगों के दिल में दहशत का माहौल बना हुआ नजर आ रहा है। इस बात से पावर हाउस फकरपुर जेई साहब विजय तिवारी को ध्यान नहीं, जबकि पत्रकार मेराज अहमद ने पिछले हफ्ते में फोन के माध्यम से दी थी जानकारी, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा कोई काम। आखिर देखना यह है कि कब तक चलेगा यह नाटक या फिर दिखेगा कोई बदलाव। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से मेराज अहमद की रिपोर्ट। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मेराज अहमद है, ग्राम पंचायत अम्बवा का निवासी हूँ, विकास खंड पखरपुर ग्राम थाना बौड़ी अंतर्गत। हमारा ग्राम सभा में एक ट्रांसफार्मर है जो आप सीधे देख रहे हैं और दिखा रहे हैं जी। ये ट्रांसफार्मर से पिछले एक हफ्ते से लगातार लाइट नीचे उतर रही है आर्थिंग, जिससे छोटे छोटे बच्चे आने जाने में काफी बुरी तरीके से तकलीफ का सामना करके निकलते हैं। इस संबंध में हमने लिखित और सूचित भी किया था जय साहब को कि हमारे यहाँ सर ऐसी ऐसी समस्या है। यहाँ पर क्या समस्या है? अरे, समस्या बहुत खराब है। क्या हुआ था? क्या करंट उतरत है, बच्चन के लाग जाता है, छगड़ी बच्चा ने साथ है उनके लाग जाता है, कुत्ता ने साथ है उनके लाग जाता है, बहुत परेशानी है, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर क्या समस्या है? अरे, खंबा रास्ता पर है और ट्रांसफार्मर रास्ता पर है और बत्ती उतर था। सुनने में आया कि एक अभी 10 वर्ष का लड़का आर्थिंग लगने से उसकी काफी हालत खराब हो गई है, क्या ये सही है? हाँ, सही है। क्या एक हफ्ते में कितनी बार यहाँ पर लाइट शॉर्ट सर्किट से यहाँ पर कितनी बार करंट उतरा है? उड़ी गवा है, कई चक्कर जला है, कई चक्कर इतिफा आग लग गई है। तो कोई प्रशासन या कोई अधिकारी या कोई आ रही है जिनको गवर्नमेंट द्वारा वेतन प्राप्त होती, वो आपके आपसे अवैध तरीके से कितना रुपया उगाही करते हैं? जो भी है, जो मतलब 500 रुपया, 600 रुपया, 200 रुपया, जो जैसा बोल दे वैसा मतलब देना पड़ता हम लोग को। अवैध तरीके से आपसे लेते हैं? अवैध तरीके से। क्या लगता है आपको, प्रशासन सही है या फिर गलत है? क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? उम्मीद तो सरकार की उम्मीद तो है कि हो सकता है, लेकिन जो एक कर्मचारी लोग हैं ये अपना कुछ सुनते नहीं है। पावर हाउस कहाँ पर है? यहाँ का पखरपुर है।